हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखिए हम किचन एक दिखाने वाले हैं। किचन का ऑलरेडी काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें देखिए फोल्डिंग बास्केट है सब। टोटल यहाँ पे 6 बास्केट लगा हुआ है। एक साइड में 3 है और दूसरे साइड में भी 3 है। टोटल 6 बास्केट है। तो अभी नीचे का हमारा बास्केट हो गया और ये फोल्डिंग बास्केट हम लोग इसमें यूज किया है। फोल्डिंग बास्केट यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि कभी भी साफ सफाई करने के लिए काफ़ी इजी रहता है। फोल्डिंग बास्केट देखिए, फोल्डिंग बास्केट प्रॉपर निकालने में काफ़ी आसान रहता है। कभी भी आप निकाल के और वापस क्लीनिंग करके डाल सकते हैं। तो ये फोल्डिंग बास्केट फिटिंग हो गया और इसमें हम पूरा फ्रेमिंग वाला बास्केट यूज किए हैं कि जिसमें रिपेयरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और ये ऊपर वाला ये देखिए, जितना भी बास्केट हमारा है ये सब फोल्डिंग बास्केट है। अभी ये बास्केट हमारा फिटिंग हो गया है और इस साइड में 2 डोर लगा हुआ है। जो अपना ये किचन सिंक है, सिंक के नीचे 2 डोर लगाना पड़ता है। ये ओपन रहता है क्योंकि इसके अंदर अदर कुछ हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर डस्टबिन वगैरह रखने के लिए काम आ जाता है। अभी ये एक्वा गार्ड का बॉक्स है, इसमें हमारा वाटर फिल्टर का आ जाएगा और इसके ऊपर से ही चिमनी का हमारा पाइप निकलने वाला है। तो एक कॉर्नर में होल करके रखे हुए हैं, इधर से चिमनी का आउटलेट पाइप चला जाएगा जिसमें भी यहाँ पे चिमनी लगेगा। और ये चिमनी के लिए स्टोरेज किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर से ही चिमनी का पाइप निकलेगा। और इसमें हम लोग पंप का फिटिंग किए हुए हैं क्योंकि ऊपर डोर उठाने के लिए पंप का ज़रूरत पड़ता है। और ये साइड में भी डोर है और डोर में सेंटर में ग्लास डाला हुआ है। और बीच और अभी देखिए हमारा ये ऊपर ये स्टोरेज का है। तो ऊपर देखिए 3 डोर बना है, तीनों ऊपर साइड में ओपन होता है और इसमें पूरा फुल स्टोरेज मिल जाएगा क्योंकि किचन छोटा है। इसके लिए हमको स्टोरेज के लिए ऊपर भी जगह बनाना पड़ा। तो ये ऊपर 3 डोर है, तीनों डोर में पंप लगा हुआ है। तो ऑलरेडी थोड़ा सा पुश करने पे ऑटोमेटिक ये पंप के थ्रू डोर ओपन हो जाता है। तो ऊपर ये 3 डोर हो गया। और एक किचन के आउटसाइड में थोड़ा जगह बचा हुआ था जिसको हम लोग यूज किए हैं, तो इसमें एक डोर बना दिए हैं। और इसमें 2 से 3 3 सेल्फ लगा हुआ है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको कोई भी बड़ा हो गया कुछ भी सामान रखना रहेगा तो इधर फुल स्पेस मिल जाएगा। इधर आप देखिए एक छोटा सा सर्विस प्लेटफॉर्म है क्योंकि ऑलरेडी किचन बहुत छोटा था तो हमको साइड में एक सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। और यहाँ पे भी हम लोग बास्केट यूज किया है कि जिसमें कांदे बटाटे वगैरह रखने के लिए फुल स्पेस हो जाएगा। और ये साइड में पुल आउट है जिसमें आपको ऑयल वगैरह मसाले का जो भी डब्बा वगैरह रखना रहेगा तो उसके लिए बहुत ईजी होता है। इसके लिए हम लोग इसमें 3 ट्रैक दिए हैं, 3 सेट है पुल आउट का। तो ये कंप्लीट है। और दूसरे साइड में सिर्फ 2 डोर लगा हुआ है और बीच में एक सेल्फ दिए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अंदर साइड में एक सेल्फ है और 2 दरवाज़ा है। और इसमें जो हम लोग हैंडल का यूज किया है ना, हैंडल इसमें पूरा फुल ग्रिप हैंडल है कि जितना बड़ा हमारा डोर रहता है ना उतना बड़ा हैंडल लगाना पड़ता है। और देखिए फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा लगता है। सरमई का हम लोग रेड कलर यूज़ किया है क्योंकि कस्टमर के चॉइस के ऊपर रहता है, तो उनको रेड कलर पसंद था। तो इसके लिए रेड कलर हम लोग ग्लॉसी शीट यूज किया है। इसमें अदर कलर भी यूज कर सकते हैं, जिसका जैसा चॉइस रहेगा उसके हिसाब से काम करके देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा पूरा वर्क कंप्लीट है। अभी ये सर्विस प्लेटफॉर्म देख लीजिए, छोटा सा ही सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारा मिक्सर वगैरह रखने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे हम कुछ नॉर्मल एक गैस का सिगड़ी रखेंगे रखने से ही पूरा हमारा कवर हो जाता है। इसके लिए साइड में हम लोग सर्विस प्लेटफॉर्म का अरेंज किए हुए हैं जिससे क्या होगा कि हमारा मिक्सर और छोटा जो भी आइटम रहेगा वो यहाँ पे रख के प्रॉपर यूज कर सकते हैं।